वीडियो में थोड़ा सा खून दिखाया गया है, तो कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडियो ब्लॉग। मैं कुछ लोग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त है। तो लोग आज के सीन है कि क्या सीन बताऊँ यार, क्या सीन बताऊँ भाई। आज है जी बकराई, ठीक है, ईद उल अज़हा 2023। हाँ भाई, आज तुम्हारा आखिरी टाइम है, खा लो जितना भी खाना है। ये दा थोड़ा पड़ा हुआ है, वो पट्टे इनके ख़त्म हो गए थे, ठीक है, थोड़े से लाए थे और डाल दिए इनको। इन दो को छुरी मैं फेरूंगा, इसको भी मैं फेरूंगा, उन दो उनमें से इनमें से नहीं, वो वहाँ पे जो खड़े हैं उनमें से किसी एक को मैं फेरूंगा, ठीक है। तो हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा अभी तक अभी ईद नमाज नहीं हुई है, अभी होनी है। मैंने कहा पहले आप लोगों को अच्छा भी कहूँ, कल तो लोग में से समझ नहीं आई थी अच्छी की, अंधेरा काफ़ी हो गया सर। आपको फोन भी माशा बड़ा अच्छा है, लाइटें भी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, दोबारा भी खा लेता हूँ आपको। मां छह टब खा गया होगा अभी तक तो, एक रात के अंदर अंदर छगला भी अदा कर दिए। ये चेक करो जी, लो वीडियो में छोटा लग रहा है, वैसे ही पिछले दोस्त वाले से बड़ा ही है। इसने यहाँ पे गंद कैसे किया, यही सोचने की बात है। फिजिक्स लड़ाई है इसने भाई, सीरियस भाई। करीब नहीं जाना, ये बड़ा थोड़ा थ्रा इसके लिए, दूर दूर से ज़रा नहीं। इसकी रस्सी इतनी वो है बस, किला कल रात को ठोका और रस्सी बांध दी, फिर आज इसने ऐसे यहाँ पे कैसे कर दिया, हाथ लगाने के लिए। नहीं यार, ना ही रिस्क लें तो अच्छी बात है, ऐसे जो किला तोड़ता ना उन्हें फिर उल्टा कार्रवाई कर। तो यार ईद नमाज पढ़ के आ गए, सबसे पहले आप लोगों को बोल ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ठीक है। तो बाकी सीन ये है कि फिलहाल जो मैं पहुंचा था वहाँ पे, तो दो छुरियाँ फिर गई, तो मैं जल्दी आया कपड़े दिन छत वापस जाऊँ और छुरियाँ मैं फिर चलते हैं कपड़े दिन छत। अच्छा यार, पहले तो बैठा हुआ था ना, अब चेक करो सही है। अच्छा तो यार, मैंने पिछले जो वीडियो एडिट करके मतलब अपलोड किया था ना, वहाँ पर मैंने दिखाया था उधर भी है क्या नाम, जो रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट पड़ेगी, मैंने वो छुरी वगैरह फेंक थी, उसके बाद कॉपीराइट पड़ी, तो मैंने कहा वीडियो वहाँ से डिलीट की, उसके बाद सारी दोबारा ही मतलब वॉइस ओवर करके सारा कुछ कर करा के अब दोबारा जाकर अपलोड करेंगे। इमोजी वहाँ पर लगा दी, मैंने कहा कट ना ही करना, हल्की फुल्की पिछली आवाज़ भी आती रहेगी, बाकी ये बच्चे को चेक कर। अच्छा यार सुनिए, है फिलहाल बकरे वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं, बस उनका मतलब आखिरी दूर रहती है, गोश्त वगैरह बांध रहा है। ये लोग अपना मछली लाल कर रहे हैं, अभी ये बेचारा खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक सही जगह पर कान फिरा दिया, कोई नहीं तो साफ़ हो जाएगा भाई। इसके भी बस तो ये बन 11 बजे आ जाए ना, कसाइयों ने 10:40 हो रहे हैं, 20-25 मिनट ही रह गए हैं इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ होने में, ठीक है। यहाँ पर ज़िबा करेंगे खड्डा वगैरह कहीं पर करके खून वगैरह के लिए, वो शोर आवाज़ सुना ज़रा उधर से भाई। ये हाँ क्यों रहा है, गर्मी तो नहीं लग रही है, हल्का सा पानी फेंक देता हूँ ज़रा। अच्छा जी, कल इसको नहला रहे थे ना, मतलब पानी फेंक रहे था, फुल पुता रहा था, अभी फिलहाल इजी हुआ वह। पहले तो ये था हम लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, फिर पकड़ लिया था, काफ़ी है। अच्छा यार, इसको जगह वगैरह चेंज कर, इसने नहला भी दिया था थोड़ा बहुत, तो फिलहाल के ये सीन है कि कसाई वगैरह पहुँचने लगे हैं बेचारे के, आखिरी कुछ लम्हात चाह रहे हैं, दुआ कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कल, होए बाकी देखते हैं। अब पैदा हुआ है इनके घर, पैदा हुआ है ये, वाह वैसे तो बड़ा बड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। हाँ क्या जी, कैसे कमर च पाउन लगे मेरे ख्याल, नहीं लत बन लगे चलो बस 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 उतर जाओ आ साहब, हमने चारे लत्त जोड़न
मैंने सोचा था भागे भूगे का मजा करेगा, नहीं वो कार्यकर बनते अगले अगली दफा इनको नहीं जाना, जिसको कोई ऐसे बुलाएंगे जिनको पता ही ना हो, मजा आएगा। बाबा साहब उसको भी थोड़े लगे सारे बुजुर्गों भी बेचारे को चुगाली भी नहीं करने दी सही तरह से, जहन भी साइड पे ओ, ओ, ओ। नहीं जैन भी नहीं फेर रहे, वो कह रहे हैं अभी सो गए उठा वही फेर रहे। अब ये अगर ये भी खड़ा हो गया तो आप इधर से भागेंगे या इधर से? मैं भी इधर से गर्दन तो इतनी जितनी मोड़ है ऐसे ही उतर जाती होगी। यार फाइनली कुर्बानी हो गई है बच्चे की, लेकिन दिल थोड़ा मुझे लगा पता होगा अगर तीन सौ रुपये टेक भी मारा वो मैं रिकॉर्ड नहीं करा, आ रहा हूँ वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, फिर अब अच्छे था बंदे बंदे भी गोली मारा जाके। अच्छा तो यार सीन ये बार बचा बचा अद्धे ज़्यादा हो गया था, मतलब बस गोश्त वगैरह आखिरी वाले जो कर रहे थे टह वगैरह बारे थे पहले सारा करके पहले बकरों का वो करते रहे, बाद अब उनका किया है वो कहना मैं, और मैं अभी तब से सोच रहा हूँ शाम क्यों नहीं होगी, और अभी मैंने टाइम देखे 1:32 बाहर धूप है, इसलिए गुस्सा आ रहा है कि सुबह 5 ही उठे हैं हम लोग, फजर पढ़ के सोने नहीं दिया था पापा ने, मैंने कहा था तैयार थे और तैयार शुरू हो मतलब थोड़ी देर रेस्ट करो तैयार हो फिर नमाज़ पढ़ने चले ठीक है, तो 6 हो जाएगा आज कसूर का शायद प्लान है, अगर हुआ तो इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा पढ़ना नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिलहाल देख खाने को देख क्या है। अच्छा तो यार फिलहाल ना आज के सेम है कसूर का, तो फिलहाल रेडी शेडी होते हैं फिर निकलते हैं कसूर के लिए। बड़ा तुझे माउस रखे हैं उमर भाई दे ओए चुप ना, ओ तेरी वारी है के मेरी वारी है मेरी अब चल मिल ले वारी जी भाई लोग, तो सीन कल था जी का पहला दिन थर्सडे और आज था दूसरा दिन, हम कल ही कसूर आ गए लेकिन कल ज़्यादा कुछ किया नहीं होता, मतलब इस बार थोड़ा आराम से ही पहले तो होते हैं हमेशा कहीं ना कहीं जाते होते हैं, इस तरह रिश्तेदारों में गोश्त वगैरह बांटने में कल 6 पहुँचे तो सुबह 10 तक गोश्त ही बांट करें ठीक हो गया। आज है जुम्मा, थोड़ी देर तक जुम्मा पढ़ने भी जाएंगे अभी, उसके बाद आज सुबह के 2 और का टाइम हुआ पर हाँ ठीक है, तो फिलहाल थोड़ी देर तक जाएंगे अभी हसान गया अपने दोस्तों के साथ, अभी यहाँ पर घूम रहा हूँ आराम से गलियों में, अभी फलूदा पीने गया हुआ था उसका मैं बनाया नहीं, थोड़ी देर तक अभी दोबारा जाएंगे आपको खाएंगे, नालियाँ ही बड़ी यार यहाँ पर कसूर में इस बताता मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल, इसका मज़ा नहीं आ रहा कसूर या। अच्छा तो फिलहाल गेम शुरू होने लगी है, गेम के रूल्स ये हैं, जिसने जिसको आंसर पहले आता हुआ वो माइक पकड़ के आंसर करेगा, जिसको गलत आंसर किया उसका -1, जिसने सही आंसर किया उसका +1। चलें जी सवाल शुरू करते हैं, पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के लिए कौन से 3 जानवर हम ज़िबा कर सकते हैं। दूसरा सवाल पहले की तो आपने धजिया उड़ा दी, पाकिस्तान की 2 टूरिस्ट प्लेसेस सबसे अच्छी जो फेमस है। 10 8 टाइमर है 2 दो को बता दिया ना, हाँ नारायण का और नारायण का पाकिस्तान का प्रेजेंट वजीर आजम कौन है, किसने बैरिकेड किया है, ने बताओ। गलत जवाब क्या?
सही जवाब वन पॉइंट। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सुभान अल्लाह, पूरा जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, ये सलमान इम्तियाज के इस बिहेवियर की वजह से उनका माइनस वन होता है। अभी तक उन्होंने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। अच्छा यार, कसूर वाला से वापस आ गए थे वहाँ, तो यहाँ नाना की दावत वगैरह हो गई थी वहाँ पर, चले गए सामने के साथ। थोड़ा सा शुक्र मैं पॉडकास्ट वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है। उसने कहा था नहीं डालना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत डाल दूँगा तो कोशिश करूँगा। तो कसूर में ज़्यादा ब्लॉगिंग बनाया, दो तीन क्लिप ही कसूर गए, मतलब इस दफ़ा कसूर सिर्फ सोने के लिए गए थे वहाँ, आराम से जाकर पूरी रात पूरा दिन सोते रहे। तो फिलहाल इस लोग खत्म होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बाय।